अभी हम लोग निकल चुके शिवखोड़ी के लिए। लवेल भाई, भाई हर हर महादेव। पीछे मंदीप और इधर अपने सीनियर साहब दीपक जी। अरे देखो यार। हाँ जी, जय बाबा की, जय माता वैष्णो देवी। अभी हमारी यात्रा शिवखोड़ी के लिए शुरू हो चुकी है और यह यात्रा हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि जैसे हम होटल से निकले हैं बहुत तेज बरसात है और ये बरसात रुकते हुए नजर नहीं आ रही है और मौसम इस बरसात के अंदर बहुत ही खुशमिजाज। बाकी बातें और सबसे बढ़िया बात है, आज सोमवार के दिन बाबा ने हमें बुलाया है। सावन का दूसरा सोमवार। पहले सोमवार को हमने अमरनाथ यात्रा शुरू की, दूसरे सोमवार हम लोग शिवखोड़ी बाबा के पास जा रहे हैं। बिल्कुल देखो, और बाबा ने अपनी गंगा मैया बरसाते हुए। चलो हर हर महादेव, जय श्री राम। और बारिश हो रही है। मैं ललित भाई और दीपक भाई ऐसे ही जा रहे हैं बिना रेनकोट के। और ये अपने दीप, क्या नाम है, दीप भाई, मनोज भाई और मंदीप, ये लोग जा रहे हैं जोकर बन के। देखो जोकर नहीं, जादू। जादू क्या लग रहा है बंदा यार, जादू। तो फाइनली यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और मजा आ रहा है। और आज हमें पता लगा कि आज शिवरात्रि भी है, क्योंकि यार ट्रिप पे है बाबा के, यात्रा पे हम लोग, माँ की यात्रा पे। तो याद नहीं रहा कि आज के आदि है और डेट भी नहीं पता लगी। बाद में हमने जब देखा कि आज 25 तारीख है, आज 25 तारीख को तो यार शिवरात्रि का था शायद, तो हमें पता लगा वाह भाई वाह, सोमवार भी है शिवरात्रि भी है। बाबा ने अपने धाम पे बुला लिया और सोमवार से ही बाबा ने यात्रा स्टार्ट कराई थी अमरनाथ की। और आज भी देखो वाह क्या मजेदार है, हमें खुद ही बाबा बुला लेते जैसे। तो चलो अभी बातों में लगे पड़े हैं। ये देखो दीप भाई क्या है, शायद सावन में भंडारा लगता हो। हमने भी पहली बार देखा था ना ललित भाई, तुमने भी पहली बार देखा है यहाँ पे। शायद सावन में ही लगता भंडारा, क्योंकि पीछे भी आया तो भंडारा नहीं लग पाया, तो सावन में ही लगता बाबा का भंडारा। और यहाँ पे हमने लगवा लिया बाबा का तिलक और चले बम बम बोले की धुन में। और यहाँ पे रिवर का पानी बहुत तेज हो चुका, क्योंकि बारिश हो रही है ज्यादा तेज नहीं। अब तो ये जोकर जो बने हुए है ना, फायदे में नहीं है, आराम से बाबा की इस गंगा धारा में बैठे। और इसका भी अलग ही मजा है, अलग ही मजा है। यात्रा के समय हम लोग बाबा की पावन अमरनाथ यात्रा के टाइम में ही बारिश मिली, बिल्कुल यहाँ पे भी यात्रा करते हुए बारिश मिली, तो ये बाबा का प्रसाद समझ के बड़ा मजा आ रहा भाई साहब। थकावट तो होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाबा ने नजारा दिखा दिया। और आज इतना अच्छा दिन है, सावन का सोमवार है और शिव, आज बाबा का जल चढ़ने का दिन है। जो हरिद्वार से कावड़िया आते हैं वो आज के दिन जल चढ़ाते हैं, आज शिवरात्रि है। लोगों को आज के दिन इतने अच्छा सौभाग्य, यहाँ पे आके दर्शन करने आए हैं बाबा के, बड़े भाग्यशाली समझ रहे जी अपने आप को। बाबा प्यारी इतना करते हैं, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा शिवकोड़ी, अर्ध नारेश्वर रूपाय नमः। कर लो बाबा शिवकोड़ी गुफा के दर्शन। और आज हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना, बस मानो मन ना मानो। और ये दूसरा रास्ता है जो वैसे नॉर्मल गुफा बनाई गई है, और ये पुरानी गुफा है, और ये मानव हैंड से बनी हुई है मतलब की, और ये प्राकृतिक स्वरूप से बनी हुई है, जहाँ से भोले बाबा पार्वती माँ सब अंदर गए थे। ठीक है,
तो ये पहले भीड़ देख लो आप, भीड़ का जायजा ले लो। अभी मनोज भाई कह रहे थे भीड़ मैंने देखी नहीं ना, मैंने अभी थोड़ी देर बाद देख लेना, आप थोड़ी देर बाद देखा तो भीड़ देखो, देखो ये देखो भीड़ ही भीड़ है। तो चमत्कार की बात मैं ये आपको ये बताता हूँ कि एक तो आज बताया मैंने आपको सोमवार है, दूसरा सावन चल रहा है, तीसरा शिवरात्रि बताया गया है, शिवरात्रि आज जब जल चढ़ता, और चौथी बात आज हमने बाबा को पास से देखा और बाबा के हमने अपने हाथों से जल चढ़ाया और पूजा करवाई पंडित से, जो कि 2100 रुपए की पर्ची कटती है। यहाँ पे आप ऊपर चढ़ोगे तो नीचे क्लॉक रूम के पास ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके बात करोगे तो 2100 रुपए में पर्ची कटेगी। उनको वो पूछेंगे कितने बंदे, उस हिसाब से आपको वो बता देंगे कैसे कैसे करना है। मजा नहीं आया यार, बताओ। बहुत मजा आया बाबा देखते, बहुत अच्छे। और ये इधर 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 आओ, ये भाई साहब पहली बार आए हैं और पहली बार शिवरात्रि, श्रावण, सोमवार और जल अभिषेक सब कुछ करा, पूजा सब कुछ बंदे ने पहली बार, मतलब इतना मतलब कि आपने लगा लो या इतना प्यार मिला है बाबा से, भाग्य से आए हम लोग। बिल्कुल, मेरी किस्मत किसे खराबी आई है या हमारे गुरु की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से आए हैं जी, हमारी आशीर्वाद था कि हम यहाँ पे, और बाबा हमें प्यार करते हैं। बिल्कुल, कुछ भी कर, माँ पार्वती प्यार करती है, माँ कालका भी प्यार करती है, तो वही वो मिलाएगी नहीं बोले बाबा से। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, नीचे उतर रहे, फटाफट लेट हो गया, 2 बज गए हमारे, पहुंचते पहुंचते 6-7 बज जाएंगे, कल बस की चढ़ाई कर ली है और थकावट है, जाकर सोना है क्योंकि हम रात को सोए ही नहीं है, सुबह 3-5 बजे सोए और 6-7 बजे उठ गए हैं। बताओ क्या से हम निकम्मे बच्चे। नवदुर्गा मंदिर, और बीच में आपने देखा था लैंडस्लाइड हो रखी, पत्थर सुबह ही हो रखे थे वो, तो वैसे बारिश में, पर मैंने दिखाया कि अभी रास्ते में चलते हुए दिखा दूंगा। तो पहले प्रसाद प्रसाद ले लेते हैं, चलो अब फोन लाउड तो है अंदर, अगर बन जाए ठीक है, पहले मैंने दर्शन कराई रखे माँ के अंदर से, तो वीडियो देख लेना जाके। तो चलो, और दीप अपने मनोज भाई है पहली बार आए, और ये देखो ये निशान जो है ना, ये अमरनाथ की निशान है। चलो वो ले लेते प्रसाद नीचे जाके। ये देखो केकड़ा, और ये अभी परवीन को उसको मंदीप को डंक मारने के लिए कगार पे उड़ने वाला है फटाफट से। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और फटाफट गए, फटाफट आ गए, माने तो फटाफट भेज दिए दर्शन करा के। तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि कुछ बंदे पहले दर्शन कर जाते, कुछ शाम को आते समय कर जाते, क्योंकि सिर्फ थोड़ी के रास्ते में पड़ते हैं। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं होटल में और जाके रेस्ट करते हैं और वीडियो क्लोज करते हैं, क्योंकि इसके आगे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, सुबह बनाएंगे कल जब हम लोग यात्रा के लिए चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।